व्यापार महासंघ से सारे बाज़ार जुड़े हुए हैं। इन बाज़ारों में जो समस्या होती है, श्री अजमेर व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष मोहनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में हम आज भी SP साहब से मिले हैं और अपनी अपनी बाज़ारों की और समस्याएं भी है, जैसे ट्रैफिक की समस्या जो है, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, आगरा गेट पर आए दिन की जाम लगता है, पुलिस चौकियां जो बंद पड़ी है वहाँ स्टाफ नहीं है, ताले लगे हुए हैं उनके बारे में, और निरंतर चोरियां हो रही है उनकी फुटेज वगैरह। तो हम SP साहब से मिले, SP साहब ने ये बताया कि ये CO लेवल तक का काम होता है चोरी का, तो वह करते हैं। और आज आप हमने ज्ञापन दिया है तो साहब ने ये बोला, हमको आश्वस्त किया कि इसको मैं पर्सनली मॉनिटरिंग करूंगा, और हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब इन चोरियों को रोकने के लिए अलग से टीम का गठन किया जाए जो स्पेशली इसी काम को करे, तो झट से चोर पकड़ में आ जाएंगे कि कौन ये वारदातों को अंजाम दे रहा है। तो साहब ने हमारे को सकारात्मक जवाब दिया। दूसरा, चौकियों पर स्टाफ लगने का भी, इस 15 तारीख तक सारा स्टाफ जो ट्रेनिंग में गया हुआ है, नई भर्ती के लोग ट्रेनिंग में हैं, उन सबको लगा के चौकियों को भी पुनः चालू करने का आश्वासन दिया है। हमने साहब से ये भी मांग करी है कि आगरा गेट के आए दिन की जो ट्रैफिक जाम की समस्या है और बाज़ारों में एलिवेटेड की वजह से समस्या है, धूल मिट्टी की समस्या है, इसको ट्रैफिक को जो है समाधान निकाला जाए। हम एक्सपर्ट नहीं होते हैं तो हमने तो रिक्वेस्ट करी और उन्होंने पूर्ण तरह से आश्वस्त किया है कि मैं इनका समाधान निकालूंगा। रमेश लालवानी, महासचिव श्री अजमेर व्यापार महासंघ। पुरानी मंडी में लगातार एक के बाद हो रही, एक के बाद एक चोरी है, और आगरा गेट पर जो जाम की समस्या है उसके बारे में ज्ञापन दिया है। SP साहब ने कहा टीम बना के और उसका जायज़ा लेके, और मैं हाथों हाथ स्वयं देखूंगा इस मामले को और इसका समाधान करूंगा। कितने समय से ये समस्याएं आपको जी, कितने समय से ये समस्याएं चल रही है? एक महीने से। एक महीने से चल रही है। रिपोर्ट पहले दी, व्यापार साहब रिपोर्ट, हाँ रिपोर्ट दी थी कभी? हाँ, रिपोर्ट कोतवाली में दी हुई है। FIR हर बार लिखा है। हाँ, आपका नाम बताएं? मोहनलाल शर्मा, अध्यक्ष व्यापार महासंघ। आप लेकर, हम आज SP साहब से मिले हैं। पुरानी मंडी के अंदर लगातार चोरियां हो रही और एक महीने के अंदर करीब 4 चोरियां हो चुकी, उसके संदर्भ में हम आज मिले और एक के बाद एक फुटेज वगैरह फोटोआँ क्लियर देने के बाद भी पुलिस डिपार्टमेंट के को कुछ सुराग नहीं लगा है, इसलिए हमने आज कहा। तो उनने हम कहा कि मैं पर्सनली इस चीज़ को मैं ध्यान दूंगा और आप लोगों की समस्या दूर करूंगा और चौकियों के ऊपर जाप्ता लगाया जाएगा और जो बंद पड़ी है चौकियां। पुरानी मंडी व्यापारी एसोसिएशन, किशन गोपाल गुप्ता अध्यक्ष।